आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जर्मनी के जो गांव होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और जर्मनी के गांव के बारे में फैक्ट्स जो कि बहुत ही अलग है इंडिया से, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। ये है बहुत ही सुनहरा मौसम और आज हम लोग खड़े हैं एक जर्मनी की विलेज में और मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। जहाँ पर खड़ी हूँ वो एक बहुत ही छोटा सा गांव है जर्मनी का, और मैं इस गांव के बारे में और जर्मनी के गांव के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो बताती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दीपक, यहाँ के लोगों का, गांव के लोगों का पहनावा क्या होता है? पहनावा और इनके यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, लोग इंटरनेट यूज करते हैं या नहीं करते हैं, सड़कें कच्ची होती हैं, पक्की होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं कि नहीं होते, बिजली पानी होता है या नहीं होता है, स्कूल्स का क्या है, ये लोग भी शहर जाते हैं क्या पढ़ने के लिए। हाँ, तो ये वीडियो होगा उसी के ऊपर जिसमें हम आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है दीपक? सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि गांव की कनेक्टिविटी शहरों से, आसपास के शहरों से। यहाँ पर कोई भी ऐसा गांव नहीं है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो पक्की सड़कों से कनेक्टेड ना हो। प्रॉपर पक्की सड़कें होती है छोटे से छोटे गांव में हर जगह, कहीं ऐसा नहीं है कच्ची सड़कों से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड। 24 घंटे आ सकते हैं आप, गाड़ी बढ़िया फर्स्ट क्लास। और आपको पीछे गाड़ियां दिख ही रही होगी, तो एक इससे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और भी चीज़ बता रही हूँ। यहाँ जितने भी घर हैं उसके सामने एक गाड़ी या दो गाड़ियां खड़ी हैं, कार खड़ी हैं। तो ऐसा नहीं होता कि लोगों के पास कार ना हो या कुछ हो, तो वो भी एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है इंडिया से। एंड जो ट्रांसपोर्ट होता है दीपक, वो बेसिकली बस से कनेक्टेड होता है यहाँ पर जनरली। जो बहुत छोटे विलेज हैं जो बस से तो सारे विलेज कनेक्टेड होते हैं, कुछ विलेजेस ट्रेन से भी कनेक्टेड होते हैं। तो मैक्सिमम कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इनकी, मतलब सारे के सारे गांव प्रॉपर कनेक्टेड रहेंगे बसेस के थ्रू। ये छोटा सा गांव है, ये मान लीजिए आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना छोटा गांव है हम यहाँ पर हैं। आप देख लीजिए हर घर में गाड़ी है, पक्की रोड है, बसेस आती जाती रहती हैं, तो अमेजिंग। कैसा लगा ये अमेजिंग फैक्ट? और अब चलते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। कितना छोटा सा गांव है और यहाँ 24 घंटे बिजली और पानी होता है। जर्मनी के हर गांव में, छोटा या बड़ा हो, 24 घंटे बिजली पानी सब सारी सेवा उपलब्ध होती है, पीने का साफ पानी, बिजली, सारी चीजें जैसी सिटी में होती है। चलते एक और बात पता चली, ये जो है वो रेस्टोरेंट और बार है, तो गांव में रेस्टोरेंट और बार जो है वो भी होते हैं। जो एक सवाल जो मेरे भी दिमाग में रहता था जब मैं इंडिया में था कि क्या यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप में, और मैं बात करूँ जर्मनी में, लोग गांव में रहना पसंद करते हैं या नहीं, तो उसका एक बहुत अच्छा और सीधा सा आंसर ये है कि जी हाँ। और ज़्यादातर लोग जो यहाँ के आसपास के शहरों में काम करते हैं, बड़े शहरों में, वो लोग प्रेफर करते हैं कि गाँव में रहना, आसपास के जो छोटे छोटे गाँव हैं। उनका कारण ये है, घर अच्छे होते हैं, बड़े घर होते हैं, खुले घर होते हैं, गार्डन्स होते हैं, और सारी फैसिलिटीज़ शहरों वाली होती हैं, लाइफस्टाइल वही होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का, जैसे हमने इस वीडियो में सारे आपके पॉइंट्स कवर करे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला यहाँ पर, कि यहाँ पर लोग शहरों में और गांव में इतना अंतर नहीं समझते। उसका दूसरा पार्ट एक ये भी है कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर मैं बात करूँ कि एडल्ट्स जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग ऑफकोर्स हमारे देश की तरह यहाँ पर भी बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि बर्लिन, म्यूनिख, स्टुटगार्ट, हैम्बर्ग बड़े शहरों में रहें, क्योंकि लाइफस्टाइल अलग होता है, पार्टी, क्लब्स, वो डिफरेंस है। पर जब जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, वो भी गाँव की तरफ बढ़ते हैं।
और सबसे अच्छी बात कि चलते चलते खेत में भी पहुंच जाते हैं। और इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट, आपको लगता होगा क्या लोग जो हैं वो एजुकेटेड होते हैं यहाँ पर? तो हाँ, लोग जो हैं वो बहुत एजुकेटेड होते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आसपास की सिटीज़ में कंपनीज होती हैं वहाँ के लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, और एजुकेशन के नाम पे तो ऑफ कोर्स जर्मनी में सभी लोग एजुकेटेड हैं। तो चाहे वो गांव के लोग हों चाहे वो सिटी के लोग हों, यहाँ के लोग एजुकेटेड होते हैं। और चीज़ जो सब जानना चाहते होंगे कि यहाँ पर क्या गांव में कंपनीज होती हैं, क्या लोग यहाँ पर काम करते हैं, क्या लोगों के पास काम होता है क्या? और वो भी काम फार्मिंग तो ऑफ कोर्स है एक चीज़, बट फार्मिंग के अलावा भी एक ऐसा क्वेश्चन आई थिंक सबके दिमाग में होगा। एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल है और सच में यहाँ पर छोटे छोटे गाँव में भी कंपनीज होती हैं, कई छोटी कंपनीज होती हैं, इवन कई मल्टीनेशनल कंपनीज भी छोटे छोटे विलेजेस में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जहाँ पहले काम कर रहा था वो एक विलेज था, गांव था, वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी नहीं था, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पर लोग दुनिया भर के लोग देश भर से आते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे गांव में भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और लोग काम करते हैं। ये हमारे लिए तो बहुत ही डिफरेंट पॉइंट था, आपके लिए कितना डिफरेंट है वो ज़रूर कमेंट करना हम लोगों को। तो यहाँ पर है, अब जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं ये है कंपनी, ये देखो। और मेडिकल फैसिलिटी, इंटरनेट, स्कूलिंग और किंडरगार्टन जो है वो होते हैं या नहीं? तो हाँ, यहाँ पर जो इंटरनेट है वो तो सभी के घरों में होता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती है, या तो अगर बहुत छोटे गांव हैं तो वो आसपास के जो भी शहर है उससे कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पर वो लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। स्कूल्स भी जो होते हैं वो कुछ कुछ विलेजेस में होते हैं, लेकिन अगर बहुत छोटी विलेजेस होंगी तो वहाँ पर नहीं होंगे, पर 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तो ज़रूर कोई ना कोई स्कूल होगा या किंडरगार्टन होगा। यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर गार्डन है इसका, सॉरी ग्राउंड है इसका, फुटबॉल ग्राउंड। तो ये भी फैसिलिटीज़ होती हैं छोटे छोटे विलेजेस में। और कई बार ऐसा होता है कि जब शहरों में, यहाँ के जो आसपास के शहर हैं वहाँ पर लोगों को एडमिशन नहीं मिलता उनके बच्चों को किंडरगार्टन के लिए, तो आसपास के छोटे विलेज में एडमिशन दिलाते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है गांव का स्कूल है तो अच्छा है, फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, सेम सिस्टम है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल वो ये है कि यहाँ पर ATM मशीन्स होती हैं क्या, या लोगों के पास जो है वो अपने बैंक अकाउंट्स होते हैं या नहीं? तो उसका जवाब है हाँ, यहाँ पर हर एक पर्सन के पास उनका खुद का बैंक अकाउंट होता है, उनका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, एंड ऑफ कोर्स किसी किसी गांव जो होते हैं उसमें ATM मशीन्स भी होती हैं और बैंक्स भी होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ रिवायर के बारे में। रिवायर जो है वो मैंने आपको बताया ही है, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है UK या यूरोप से इंडिया, और ये अभी बहुत ही अमेजिंग रेट्स जो हैं वो दे रहे हैं। तो सिर्फ 0.99 यूरो में आपको कितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, ये लोग जो फीस है वो सिर्फ 0.99 यूरो है वही सिर्फ चार्ज करेंगे। और सबसे अच्छी बात, अगर आप नए कस्टमर हो, न्यू कस्टमर हो, तो आपके जो फर्स्ट ट्रांसफ़र है उसमें आपको बहुत अमेजिंग रेट मिलेंगे। वो सिर्फ ऑफ़र है इंडियन कस्टमर के लिए, मतलब इंडियन मार्केट के लिए, अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो UK से या यूरोप से। तो ये आप जो अमेजिंग ऑफ़र है वो यूज़ करना मत भूलो, और रिवायर की जो ट्रांसफ़र लिंक्स है, जो इसकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वो भी यूज़ करना मत भूलना। इसी के साथ हम बताते हैं दूसरा पॉइंट। एक चीज़ ज़रूर पहनावे से रिलेटेड मुझे आती है कि हमारे यहाँ तो एक वो है ना धारणा कि गांव के लोग जो हैं वो अपने पहनावे को जो है वो उसी तरीके से रखते हैं। ये हमारे ये होता है स्पेशली लड़कियाँ की, गाँव में लड़कियाँ थोड़े ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं, शहरों में मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि लोगों का पहनावा अलग होता है? तो नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, इनका कल्चर है ऐसा ही, सेम ही है शहरों का गाँव का, यहाँ पर सब जगह सेम कपड़े पहनते हैं, माइंड सेट में ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आएगा जब आप बहुत बड़ी सिटी में जाओगे एंड वर्सेस बहुत छोटे गाँव में, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे इंडिया में होता है कि हमारा एकदम पहनावा ही चेंज हो जाता है, तो वैसा नहीं होता है। और ये हम बात कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए छोटे से छोटे रिमोट विलेज की, जो इंडिया में आप इमेजिन कीजिए कोई छोटा सा गांव है जहाँ पे बिजली भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है,
वहां जाके देखिएगा, मैंने तो देखा है, मुझे पता है, मुझे और जहाँ की जनसंख्या सिर्फ 500 है, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। वैसे विलेज वहाँ पर और वैसे विलेज यहाँ पर, उनमें कितना जमीन आसमान का अंतर है, तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं और सीख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। खेत है पर ये जितनी हम जो बात कर रहे हैं उनसे लोगों को, कईयों को ऐसा भी लग रहा होगा कि यार मतलब इतने एडवांस गांव है, खेती करते भी हैं या बाकी के सारे काम होते हैं, खेती कहाँ होती है? तो यहाँ गांव में भी खेती होती है यार, मतलब ये पीछे देख लो हमारे खेत है ना, ये सारे के सारे खेत ही हैं पूरे के पूरे। तो ये लोग प्रॉपर खेती करते हैं और इनके पास सारे इक्विपमेंट, सारी मशीनरीज होती हैं, फार्मर्स होते हैं प्रॉपर, बाकायदा खेती होती है, फसल कटती है, गेहूँ हर चीज़ उगाते हैं ये लोग। और बस सेम ही आप समझ लीजिए, वही ये किसान का घर है, वो खेती करके शाम को आया, बगल में पब और बार है, कपड़े चेंज किए बाहर गए, शाम को गांव के लोग इकट्ठे बैठ गए, उसके बगल में किसी ऐसे बंदे का काम घर है जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, उसके बगल में किसी नॉर्मल आदमी का घर है, उसके बगल में ऐसे लोगों के घर है जो रिटायर होकर यहाँ गाँव में सेटल हो गए हैं, ऐसे होते हैं यहाँ पर गाँव, जो कि बहुत ही अमेजिंग है यार। तो एक बड़ा कॉमन सवाल, ये वो सवाल है जो मेरे दिमाग में आया करते थे, तो कभी कभी मैं सोचता था यार यहाँ पर क्या गाँव में, मतलब गाँव में क्या शहरों में भी रोड पे, जैसे फॉर एग्जांपल बेंगलोर में तो बहुत फेमस कहावत है कि पत्थर मारो किसी कुत्ते कोई लग जाएगा रात को, इतने कुत्ते, आवारा कुत्ते होते हैं, गाय होती हैं हमारे यहाँ, कई जानवर होते हैं शहरों में घूम रहे हैं, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है? तो नहीं, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बिल्कुल आपको आवारा जानवर सड़कों पर नहीं दिखेंगे, कोई कुत्ते आपको आवारा नहीं दिखेंगे और कोई भी जानवर, गाय भी नहीं दिखेंगी, उनके प्रॉपर फार्म्स होते हैं गायों के, लोग उनको प्रॉपर फार्म्स में रखते हैं, पूरा उनका प्रॉपर जैसे हमारे यहाँ डेयरी सिस्टम होता है गायों को नहलाना खिलाना, ऐसा उनका पूरा सिस्टम होता है। तो कोई भी जानवर आपको यहाँ पर सड़कों पर, आप रात में 2-3 बजे घूमिए, कोई कुत्ता नहीं पीछे पड़ने वाला आपके, तो पीछे देख के आपको लग रहा होगा क्या कचरा वेस्ट और ये और वो, पर ये कोई पुरानी सी फैक्ट्री है जो प्रॉपर सिस्टमेटिक साफ़ सुथरी रखी हुई है। यहाँ पर भी फ़ोटो खिंचवाने का मन कर रहा है हमारा, इतना अच्छा व्यू है। तो वेस्ट से याद आया कि क्या यहाँ पर लोग गाँव में कचरा ऐसे ही फेंकते हैं? क्योंकि मैंने नहीं देखा हमारे गाँव में डस्टबिन हो, और फिर मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा छोटे गाँवों में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर काम करता है, चाहे छोटा गांव हो, चाहे बड़े गांव हो, चाहे शहर हो, सब लोग अपना वेस्ट को सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, उनके डस्टबिन होते हैं, गाड़ियाँ आती हैं डस्टबिन गार्बेज लेकर जाती हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर छोटे से छोटे गाँव में और बड़े से बड़े शहरों में, इसीलिए आपको सब कुछ हर जगह बहुत सुंदर दिखता है। लास्ट पॉइंट है दीपक, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना जाने से पहले, वो है अबाउट इमरजेंसी सर्विसेज, लाइक मेडिकल इमरजेंसी हो गई या किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो गई, तो उसमें कैसे डील करते हैं, मतलब गांव में क्या लोग पहुंच पाते हैं इमरजेंसी सर्विसेज के लिए? यार पता है एक चीज़ बड़ी दुख देती है, कई बार सोचता हूँ इंडिया के बारे में कि हमारे छोटे छोटे विलेजेस हैं वहाँ पर फैसिलिटीज इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, उस वजह से कई घटनाएँ होती हैं, पर यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप कितने ही छोटे विलेज में रहते हो, वहाँ पर एम्बुलेंस आएगी 5 या 10 मिनट में, अगर नहीं आ पाती है तो इवन आपको हेलीकॉप्टर तक आ जाएगा लेने के लिए आपके घर से। तो इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर बहुत प्रॉपरली अवेलेबल हैं छोटे से छोटे रिमोट एरियाज में, जो एक बहुत अच्छी बात है, और होप कि इंडिया में भी जल्दी वो चीज़ें होंगी। तो और आप एक और चीज़ सुरभि, आप देख ही रहे होगे प्रॉपर हम गांव एकदम बिल्कुल माहौल में हैं, ट्रॉली पे बैठे हुए हैं, ट्रॉली के बगल में पीछे खेत है, यहाँ खेत है और ये रहा छोटा सा गांव, बहुत मजा आ रहा है यार देखकर। वही आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना, हमारी एक मेहनत है जो हम चाहते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताएं यहाँ के बारे में, जर्मनी के बारे में। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी फीडबैक्स देना चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट करना, वो हमेशा हम लोगों के लिए दोनों हाथ से, खुले हाथ से जो है वो वेलकम है। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जो रिवायर की फ्री लिंक है और रिवायर का जो ऑफर है वो यूज़ करना मत भूलना। बाय बाय गाइस। तन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा। फोटो खींच ले।